बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड विच इज़ ऑन द अरेज एंड अरे स्ट्रक्चर इन C++। और आज के लेक्चर के अंदर हम सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे। और आज के लेक्चर के अंदर हम वन डायमेंशनल अरे और टू डायमेंशनल अरे की जनरल एग्जीक्यूशन और उसके ऊपर बात करेंगे। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर कोर्स कंप्यूटेशनल फिजिक्स PHY 604 MSc Physics 4th semester spring 2021. So in the last lectures we have talked about the conditional structure or loop structure. Conditional structure के अंदर हमने if statement और nested if else और ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। loop के अंदर हमने तीन तरह के loop structure पढ़े थे, while loop और फोर लूप के ऊपर डिस्कशन की। तो पिछले लेक्चर के अंदर जो है हम थोड़ी सी डिस्कशन जो है वो पार्ट वन के ऊपर की थी, जो कि अरे स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देता था। आज के लेक्चर के अंदर हम दोबारा से वन डायमेंशनल अरे स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और इसको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे लूप बेस्ड अरे के साथ, कि किस तरह से हम अरे स्ट्रक्चर को लूप्स के जरिए से भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं और किस तरह से हम इनके अंदर लूप्स को ऐड करके किस तरह से वो एग्जीक्यूशन को हम बेहतर और मोर लॉजिकल बना सकते हैं। आज का लेक्चर जो होगा इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेगा। आफ्टर गेटिंग द लूप बेस्ड अरेज देन वी विल डिस्कस व्हेन वी गो फॉर द प्रैक्टिस ऑफ देयर लूप स्ट्रक्चर। और उसके बाद हम टू डायमेंशनल अरे स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि टू डायमेंशनल अरे कैसे बनाए जा सकते हैं और फिर इनको एट द एंड इनके सिंटैक्स वगैरह और इनकी एक्सेसिंग कैसे हो सकती है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारा लेक्चर होगा। सो अरेज जो है वो जैसा कि हम पहले भी जानते हैं, अरेज आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल फॉर ईच वैल्यू। तो अरे जो है दैट आर द कॉम्पैक्ट वे टू रिप्रेजेंट द डाटा इन अ वेरी कॉम्पैक्ट वे और स्टोरिंग द वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल टू डिक्लेयर एन अरे। हम सब लोग जानते थे कि पहले भी हमने ये पढ़ा हुआ है कि सिंटैक्स के मुताबिक जब भी किसी अरे को अगर आपने डिफाइन करना होता है तो वहाँ सबसे पहले उसका डाटा टाइप को लिखा जाता है, फिर आइडेंटिफायर, ये वो नाम होता है जो आप अपनी आइडेंटिफिकेशन अपने आसानी के लिए रखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं मार्क्स ऐड कर रहा हूँ तो एक सिंगल वेरिएबल के तौर पे मैं मार्क्स लिखूँगा और बाकी सब स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पे बता दिए जाएंगे और यहाँ पे जो है इसके इंडेक्सेस के हिसाब से हर एक के मार्क्स ऐड होते जाएंगे और ये इस तरह से फिर एक सिंटैक्स के मुताबिक उसको हम राइटअप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर int है तो marks obviously अगर integers में है तो I will write here int, अगर marks जो है आपके वो floats में होंगे तो obviously ये data type जो है float के form में store कर दिया जाएगा। और इसी तरह से अगर आप इस cars हैं और cars की types को हम store करना चाहते हैं तो वो हम string के form में करेंगे, फिर हम data type को string के नाम से जानेंगे और उसको उसके मुताबिक define किया जाएगा। तो पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जब आप किसी अरे को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर दो बातों का ख्याल रखना जरूरी है, एक तो है कि लेंथ ऑफ अरे और एक है आपके पास इंडेक्स ऑफ अरे। इंडेक्स और लेंथ में क्या फ़र्क है तो उस हवाले से देखें तो इंडेक्स जो होता है वो उसकी अरे की पोजिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और लेंथ जो है उसके टोटल नंबर ऑफ जो डाटा वेरिएबल्स जो आपने स्टोर किए हैं ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इंडेक्स से मुराद होगा कि ये पहली वैल्यू है जो स्टोर की गई है, फर्स्ट सेकंड के फर्स्ट से मुराद दूसरी वैल्यू, सेकंड से मुराद तीसरी वैल्यू और अप टू फोर, जबकि जो लेंथ होती है एक्चुअली इट डिपेंड इट गिव यू दी टोटल डाटा इन अरे और वो आपके पास जीरो से लेकर नाइन तक ये जाती है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि इंडेक्स अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब है फर्स्ट एलिमेंट स्टोर इन द इंडेक्स ज़ीरो, अगर ये आपके पास नाइन है तो इसका मतलब है कि ये इससे अगली वैल्यू के ऊपर ये बात की जाएगी। तो इस तरह से हमने इन सबको वन बाय वन लेके आना होता है। अगर हम डिक्लेरेशन की बात करें अरे की तो आप देख सकते हैं कि अरे को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो इंट ए और थ्री, ये एक तरीकाकार है जिसे हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि अरे को हम डिफाइन कर रहे हैं इंट ए और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स और थ्री। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर तीन एंट्रीज हैं और इंट से मुराद वो इंटीजर्स हैं और ए आपने कोई वैल्यू रखी हुई है जिसके अंदर तीन वैल्यूज हैं और वो इंडेक्स के डिपेंड करते हैं। जीरो इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे पहली जो एंट्री है ये जीरो इंडेक्स है और ये है वन टू थ्री।
जो कि सेकंड एंट्री जो है ये फर्स्ट इंडेक्स है और ये है 765। इसी तरह से ये आपके पास थर्ड एंट्री है और जिसका इंडेक्स जो है वो 2 है और ये 1621 है। तो इस तरह से आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। However, आपने अगर ये डाटा स्टोर करवा रहे हैं अरे में, तो अरे में स्टोरेज का जो तरीकाकार होगा वो है लिखने के बाद स्टोरिंग का। कि आपने अगर किसी अरे को डिफाइन करना है तो आप अपने कोड के अंदर अरे को किस तरह से डिफाइन करते हैं, इंट ए और स्क्वायर ब्रैकेट 3। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इंटीजर ए और ये 3 1 2 3 है। तो ये बता रहा है कि 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स। तो इस तरह से आपकी जो रे है वो 1 2 3 के हिसाब से चलेगी। और इंट ए 3 जो है वो 1 1 से मुराद होगा कि ये आपके पास 111 के फॉर्म में लिखा जाएगा। ओके जी। और इसी तरह से अगर आप इंट ए 3, इसका मतलब इसके अंदर 3 इसकी लेंथ 3 डिजिट्स या 3 स्पेसेस हैं इंडेक्सेस के लिए, तो यहाँ पे आपने इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 0 लिखा है तो ये 000 के मुताबिक होगा। तो ये बता रहा है कि आपकी जितनी भी अरेज हैं उनके अंदर जो वैल्यू है वो है नल वैल्यू है, तो वो 00 ऐड हो जाएंगी। इस तरह इंट ए और बड़ी ब्रैकेट जिसे स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, अगर 0 है तो आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, इंट ए 3 और यू कैन से 1। तो इसका मतलब होगा कि आपका जो 0 इंडेक्स है वो 1 है, बाकी सारी वैल्यूज आपके पास क्या होंगी, 00 के फॉर्म में होंगी जितनी भी आपने इंडेक्स वगैरह रखे होंगे। इसी तरह से आपके पास यू भी डिफाइन हो सकता है कि ये आपके पास है जी 0 से 1 और ये आपके पास सारे के सारे जो इक्वल टू 3 हो। तो इसका मतलब ये है कि जितनी वैल्यूज आपके पास हैं वो सारी के सारी 3 3 और बाकी जितनी वैल्यूज आ जाएंगी वो सारी आपके पास 0 होगी एट द एंगल। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम डिफरेंटली चीज़ों को वेरी कर रहे हैं और उसके मुताबिक हम डिफरेंट तरीके से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। हमारा जो है बुनियादी तौर पे ये पहले 3 तरह की टास्क के डिक्लेरेशन के हिसाब से चलेगा, तो इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे, हमारा इनिशियल लेवल है। तो उस वाले से देखें, आइए हम इसके डिक्लेरेशन और इसके एक्सेसिंग के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जो है अरे डिक्लेरेशन बाय इनिशियलाइजेशन एलिमेंट। तो इंट ए डबल आर और ये स्क्वायर ब्रैकेट 10 20 30 एंड 40, फिर कंपाइलर क्रिएट्स अ अरे ऑफ साइज 4 जिसका साइज 4 है। इन दी अबव सेम, तो इंट आर 4 जो है इट विल बी प्रिंटेड एज 10 20 30 40। ये एक तरीका का है जिसके अंदर आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तरीका का दूसरा है एक्सेसिंग अरे एलिमेंट्स एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इंट ए डबल आर और ये आपके पास जो है ये अरे है और ये सिंपल डिफाइन किया गया है 10 20 30 40 और 50 का। अब आप चाहते हैं कि अरे 3 जो है उसके अंदर चौथे इंडेक्स का जो है वो बताया जा सके कि क्या वैल्यू है। तो हेयर इज दी 3 इंडेक्स और वो बता रहा है कि इसकी चौथी वैल्यू क्या है आपके पास 40। तो आपके पास जो इंडेक्स है वो 3 है, उससे मुराद होगा इसका कि ये 40 वैल्यू है, चौथे नंबर वाली जो वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी और वो 40 है। तो इस तरह आप किसी अरे को डिक्लेयर भी कर सकते हैं और उसे अरे को आप एक्सेस भी कर सकते हैं। तो इस तरीकाकार के मुताबिक हमने ये लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। आइए अब हम देखते हैं कि आपके पास एक इंट अरे है जिसके अंदर मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है और वो 5 बच्चे हैं जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने दी गई है। एक है 10 20 30 12 और 25 और आपने इसको डिफाइन कर दिया कि ये अरे है जिसके अंदर 5 बच्चों के मार्क्स ऐड हैं। और अब आप क्या करना चाहते हैं, आप फॉर लूप का हिसाब ले रहे हैं। लूप्स के जरिए से आप इन सब के जो मार्क्स हैं वो प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो डिस्कशन की थी अरेज के ऊपर, उसके अंदर हमने सिंगल वैल्यू लिखी थी। मीन टू से अगर आप कोड में सिर्फ और सिर्फ मार्क्स 2 लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये तीसरी वैल्यू प्रिंट कराएगा। बट इस दफ़ा हम चाहते हैं कि ये जब भी हम लिखें तो ये सारी वैल्यूज प्रिंट कराएं। तो इसका तरीकाकार है फॉर इंट आई इज़ इक्वल 0, आई इज़ लेस देन 5 और ये आपका पास काउंटर लगा हुआ है जी, और ये काउंटर जैसे ही 5 से लेस देन होगा तो आपका लूप जो है वो एंड हो जाएगा। तो सी आउट है और ये आपके पास है जी मार्क्स आई जितने भी हैं और ये साथ में क्या है टैप दिया गया। तो इस तरह से आप इन सारी वैल्यूज को
टैब के जरिए से सेपरेटेड फॉर्म के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये किस तरह से काम करता है, इसके लिए हमने एक कोड बनाया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये कोड बनाया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये आपके पास कोड है जिसके अंदर हम फॉर लूप विद लूप अरे है, और इसके अंदर आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि हमारा जो है सबसे पहला जो कोड का हिस्सा है हम उसको रन करना चाहते हैं, और इसके अंदर आपके पास यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिख दिया हमने, हेडर फाइल आईएसटी में रहेगी, इंट मेन और उसके बाद इंट मार्क्स, और ये मार्क्स की वैल्यूज हमने पुट कर दी है 10, 20, 30, 12, 25, और उसके बाद ये लूप स्ट्रक्चर आ जाएगा। फॉर उसके बाद इंट है इंटीजर आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन 5, और ये इंट जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा के काउंटर के तौर पर इसको काम करवाया। अब वो सी आउट क्या होने जा रहा है, जो सी आउट होगा जैसे आपका लूप जो है एंड होता है उसके बाद सी आउट क्या करना है, मार्क्स आई और ये टैब है और उसके मुताबिक इसकी एग्जीक्यूशन होगी। आइए मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ इसको, तो आप इसके F11 प्रेस करें और एग्जीक्यूशन पे जाएं। जैसे आपकी एग्जीक्यूशन होती है, एग्जीक्यूट करवाने के बाद यू विल हैव अ स्क्रीन हियर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ये टेबुलेटेड फॉर्म में प्रिंटिंग आ गई है। ये है जो 10, 20, 30, 12 और ये 25। तो ये आपके पास अगर देखा जाए तो ये एक, अगर मैं अभी से कहूँ तो ये एक रो की तरह प्रिंटिंग हुई है, कि ये एक लाइन में प्रिंटिंग है और इसको आप रो कह सकते हैं, ना रो फॉर्म कह सकते हैं। अगर आप इसको एक यू कैन से इन अ वे प्रिंट करवाना चाहते हैं जिसके अंदर टैब नहीं चाहिए बल्कि आपको न्यू लाइन चाहिए, तो आप यहाँ पे न्यू लाइन की कमांड ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने टी को ख़त्म करके एन ने ऐड कर दिया यहाँ पे, और आप इसको एग्जीक्यूट करवाएं। तो एग्जीक्यूट करवाते ही यू विल हैव हियर अ कॉलम वे, तो ये देख सकते हैं कि ये 10, 20, 30, 40, तो ये एक सिंगल कॉलम की फॉर्म है, पहले एक रो की फॉर्म थी, अब ये क्या है, कॉलम की फॉर्म आ गई है हमारे पास। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हम जो है वो डाटे को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन को टेबल की फॉर्म में, कॉलम की फॉर्म में, रो की फॉर्म में, तो इस तरह से आपकी जो अरेज है वो प्रिंट करवाई जा सकती हैं। इन अ सिमिलर मैनर अगर आप इस अरे को फर्दर प्रिंटिंग के लिए लेके जाना चाहते हैं, तो वेरी सिंपल वे, आप इसको फर्दर जो है एक और तरीकाकार इख्तियार कर सकते हैं, वह ये है कि आप अब चाहते हैं कि ये तो वो डाटा है जो आपने पहले से फिक्स किया हुआ था अरे के अंदर, ऑब्वियसली यूज़र के पास किसी किस्म की कोई भी ऑप्शन नहीं है डाटे को एंटर करने के हवाले से। अगर आप डाटा खुद से एंटर करना चाहते हैं देन यू हैव अ लिटिल बिट वेरिएशन इन योर डाटा, वो क्या है, वेरी सिंपल, यूजिंग नेम स्पेस हेडर इंट मेन हर चीज़ सेम की सेम है। उसके बाद है जी आपके पास इंट और यहाँ पे AR और ये 5 लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, और उसके बाद मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि इंट आई के आई जो होगा दैट विल बी इंटीजर। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जैसे कि सी आउट तो प्रिंट करवाया जाएगा स्क्रीन के ऊपर एंटर 5 अरे एलिमेंट्स, तो आपने एलिमेंट्स ऐड करने होंगे जो आप अरे में ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद एंड लाइन टर्मिनेटर आ जाएगा, टर्मिनेटर आने के बाद फोर, तो वो आपसे पहली जो है सिचुएशन के अंदर क्या होगा, आई इज इक्वल टू जीरो, फिर आई इज तब तक जब तक आपने वैल्यू ऐड करते जाना है, तब तक जब तक आपके पास ये होगी 1 और 2 से 1, 5 से लेस देन जितनी भी वैल्यू है 4 तक तो ये ऐड होगी। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपने सीन करना है, आपने वैल्यूज एंटर करनी है अरे आई की, और आई का ताल्लुक जो है ये लूप के जरिए से है, कितनी वैल्यू कितनी दफ़ा आपने वैल्यू पुट करनी है, हेयर इज रिटन दैट कि आपके पास 4 दफ़ा वैल्यू पुट करनी है और आप इजीली ये वैल्यू पुट करेंगे। जैसे आप वैल्यू पुट कर लेंगे और ये टर्मिनेटर कंप्लीट हो जाएगा और ये काउंटर जैसे ही इस कंडीशन को फॉल्स कर देगा, कंप्लीट कर देगा, तो आप जो है फर्दर जो है वो सी आउट की तरफ चलेंगे, और फिर जितनी वैल्यू है उन सबको आपने प्रिंट लिया होगा वो सारी की सारी जो है वो इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म सी आउट के फॉर्म में आ सकता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है एग्जैक्टली हम देखते हैं कि आपने डाटे को कैसे पुट करना है, वेरी सिंपल वे, आप हमने सेम वही कोड जो है यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट किया हुआ था स्लाइड पे,
यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, और इंटीजर जो है ए डबल आर 5 इंट आई सी आउट। अब आपका सिस्टम आपको कहेगा कि एंटर करें वैल्यूज को, और आप जो है उस सिस्टम के मुताबिक जो चार वैल्यूज हैं वो एंटर होंगी। जैसे ही चार वैल्यूज एंटर हो जाएंगी तो लूप जो है वो फौरी से आपको सी आउट करेगा कि आपने अब कंडीशन जो है वो ये वैल्यू प्रिंट करवा देनी है, और ये तब होगा जब आपके पास ये वैल्यू सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं F11 के जरिए से, तो आप देख सकते हैं आप अब अपनी मर्जी के मुताबिक जो है इनकी वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने इन वैल्यूज को ऐड करता हूँ। सबसे पहली जो वैल्यू है मैं ऐड करना चाहता हूँ वो है आपके पास रिपीट है। तो ये वैल्यू जो है जो सबसे पहले मैं ऐड करना चाह रहा हूँ वो है आपके पास फॉर एग्जांपल 2। मैं सबसे पहले यहाँ पे 2 ऐड करना चाहता हूँ, फिर मैं यहाँ पे 45 ऐड करना चाहता हूँ, फिर मैं 36 ऐड करना चाहता हूँ, और फिर मैं 20 ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने ये सारी वैल्यूज जो है ऐड कर ली हुई हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी, और उसके मुताबिक हम जो है ऐड कर रहे हैं 20 205। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5 वैल्यूज जो है हमारी ऐड हो चुकी हुई है, और उसके मुताबिक जो है आपके पास जो है ये 5 वैल्यूज जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी हुई है। तो इस तरह से आप इजीली किसी भी काउंटर को लेके उसकी वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं और उसके मुताबिक डाटा मैनिपुलेट कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ से इस तरीकाकार को अपनाया जा सकता है, ठीक है। आफ्टर डूइंग दैट वी हैव सम एग्जांपल्स जो कि मैंने एज इट इज ही लिया है आईटी सीरीज वाली बुक से, कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 5 इंटीजर्स फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर देम इन अरे, इट देन डिस्प्ले ऑल वैल्यू इन अरे यूजिंग लूप। तो आपने क्या करना है, ये वही काम है जो अभी हमने किया है कि आपने एक इंटीजर के हिसाब से लिखा हुआ है कि फ्रॉम द यूजर और स्टोर देम इन अरे। तो आपने यूजर के मुताबिक जो है वो डाटा लेना है और उसको आपने एक अरे की फॉर्म में जो है वो डिस्प्ले करके उसको स्टोर करके डिस्प्ले कर देना। तो इंक्लूड iostream.h, फिर इंक्लूड conio.h और void main। ये एक्चुअली जो है वो टर्बो C++ के हिसाब से लिखा हुआ सिंटैक्स है, अदरवाइज अगर हम लिखेंगे तो कोनियो ख़त्म कर देंगे, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखेंगे, iostream है तो .h ख़त्म हो जाएगा, void main है और उस वाले से जो है इंटीजर ए डबल आर अरे है 5 और उसके बाद 4 है और ये 0 से शुरू हो रहा है, ये सारा सेम है, और उसके बाद सी आउट जो है वो इंटीजर एंटर इंटीजर हो जाएगा, सी इन अरे आ जाएगा, उसके बाद सी आउट दी वैल्यूज ऑफ अरे आर फ्लां है, और उसके बाद आपके पास ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। सिमिलरली आप ये भी प्रैक्टिस करने के लिए एग्जांपल को देखिएगा, राइट द प्रोग्राम दैट इनपुट 5 वैल्यूज फ्रॉम द यूजर स्टोर देम इन अरे एंड डिस्प्ले द सम एंड द एवरेज ऑफ दीज वैल्यूज। तो आपने अपनी मर्जी से कोई 5 वैल्यूज जो है ऐड करनी है, तो इसका मतलब यही है कि आपने कोई 5 वैल्यूज का अरे बना देना है, या आपका फोर लूप लगा हुआ है 5 वैल्यूज जो कि 4 वैल्यू जो है वो आपके पास 0 1 2 3 4 एंड 5। तो जैसे ही 5 तक पहुंचने की कोशिश करेगा ये कट हो जाएगा और उसके मुताबिक जो है आपकी बाकी वैल्यूज आ जाएंगी, और एक अरे के अंदर आपने इसको स्टोर करना है, फिर डिस्प्ले कराना है, और फिर इसका सम और उसकी एवरेज वैल्यू को डिस्प्ले कराना है। तो ये आपके पास सम आ जाएगा और जैसे जैसे आपके पास अरे है सम प्लस अरे, तो ये एक लूप के अंदर इसका सम ऐड होता जाएगा, और उसकी एवरेज के लिए आपने 5 वैल्यूज है तो सम ओवर 5 आ जाएगा, तो ये एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको कंप्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक और प्रोग्राम है जिसके अंदर राइट द प्रोग्राम दैट इनपुट्स करंट डे एंड द मंथ फ्रॉम द यूजर, देन इट कैलकुलेट्स एंड डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ डेज इन द करंट ईयर टिल द एंटर डेट। तो आपने बताना होगा कि एक प्रोग्राम बनाए जिसके अंदर आपने करंट डे एंड मंथ ऑफ द यूजर बताना है, देन इट कैलकुलेट द डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ डेज इन द करंट ईयर एंड और उसके मुताबिक बाकी जो है कैलकुलेट करके बताएगा कि आपने आज की तारीख तक 2021 के अंदर कितने दिन रह चुके हुए हैं, और वो किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सारा कुछ बता सकते हैं।
हमने क्या किया कि एंटर द वेरी जून है तो हम लकीली जून में ही है, और डे जो है ये अभी आज आज तो हमारा ज़्यादा है बट ये 6 जून का लिखा होना है, तो ये आपको बता सकते हैं कि आपके बाकी जो है दिन साल में कितने रहते हैं, तो इस तरह से ही आपको बता सकते हैं। आपने क्या किया है कि आपने इस अरे के अंदर हर महीने के दिन लिख दिए और उसके बाद उन दिनों को आपने ऐड कर लेना है, और आपके जो है बाकी दिन उसको उसके मुताबिक आपने क्या करना होगा, लॉजिक के मुताबिक जितने गुजर चुके हैं वो और जितने रह गए हैं उन दोनों को कंप्यूट करके दूसरे में से कैंसिल कर देंगे तो टोटल वैल्यू आते हैं। तो उस वाले से एंटर द मंथ नंबर, फिर आप मंथ नंबर ऐड करेंगे, एंटर द डे नंबर, आप डे नंबर ऐड कर देंगे, टोटल जो है वो डेज वो आपके पास ऐड हो जाएंगे। फॉर उसके बाद आपने एक लूप ऐड करना है कि एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये जो है एक्स को डिफाइन किया हुआ है और एक्स मंथ है -1 और एक्स ये आपके पास क्या है जी काउंटर आ जाएगा। तो द टोटल जो है डेज पर मंथ वो उस हिसाब से ये आइडेंटिफायर है और ये एक्स के हिसाब से आ जाएगा, तो सी आउट नंबर ऑफ डेज और ये टोटल वैल्यू आ जाएगी, जितना जो कुछ बचा है उसके मुताबिक आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। सिमिलरली इस तरह हम बहुत सारी जो सिचुएशन है उनके अंदर हम अरेज को यूज करते हुए चीज़ों को मोर लॉजिकल और मोर साइक्लिक बना के काम को आसान कर सकते हैं जो कि करना हमारे लिए मुश्किल होता है। नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द टू डायमेंशनल अरे। ये तो अरे थी कि जो वन डायमेंशन के अंदर आपके पास जो है वो डाटे को स्टोर करने की एबिलिटी है इन अ सिंगल वे। आज अब जो है हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो है टू डायमेंशनल अरे। टू डायमेंशनल अरे कैसे काम करेगा, बहुत सिंपल है। इसके अंदर इन सी प्लस प्लस टू डायमेंशनल अरे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन रो एंड मोर देन वन कॉलम। तो होगा क्या कि इसके अंदर आपके पास जो है एक से ज़्यादा रोज होती हैं और एक से ज़्यादा कॉलम होते हैं, इसलिए हम इसको टू डायमेंशनल अरे कहते हैं। और इन टू डायमेंशनल अरे ईच एलिमेंट इज रेफर टू टू इंडिसेस। अब आपके पास क्या होगा कि हर एलिमेंट जो है वो दो इंडिसेस के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। एलिमेंट स्टोर इन दीज अरेज इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस और टेबल। तो एलिमेंट्स होते हैं जितने भी हैं वो इस तरीकाकार के मुताबिक जब भी किए जाएंगे तो वो हमेशा मैट्रिक्स या फिर टेबल की फॉर्म में स्टोर किए जाएंगे। द फर्स्ट इंडेक्स शोज आर रो ऑफ द मैट्रिक्स एंड द सेकेंड इंडेक्स शोज द कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। याद रखिएगा कि हमेशा जो सबसे पहला हिस्सा स्क्वेयर ब्रैकेट में आएगा वो रोज को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकेंड पार्ट रिप्रेजेंट करेगा वो आपके पास क्या होगा वो आपके पास कॉलम को शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको लिखने का तरीकाकार वही है जो पहले था, इसमें थोड़ी सी तब्दीली है, बाकी सारी चीज़ें वैसा ही है। सबसे पहले डेटा टाइप लिखा जाता था सिंटेक्स के अंदर, वो इंटीजर है तो फिर इंट लिखेंगे, अगर वो आपके पास डेसिमल पॉइंट्स है तो फिर फ्लोट लिखेंगे, अगर आपके पास वो करेक्टर्स हैं तो फिर हम स्ट्रिंग लिखेंगे यहाँ पे। फिर आइडेंटिफायर लिखा जाएगा, आइडेंटिफायर जो है वो डिफाइन करता है कि ये किस नेचर का हमने अपनी तौर पे रखना है, कि हम इसको एक रफ या कैजुअल नेम दे देते हैं अरे को। फिर है जी रोज का और फिर है जी कॉलम्स का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रोज जो है नंबर ऑफ रोज को इंडिकेट करेगा और कॉलम जो है ये कॉलम्स को इंडिकेट करेगा। एक्चुअली तौर पे जो भी आप डाटा देंगे वो ये तस्वीर करें कि आपने टेबल के हिसाब से वैल्यू को पुट करना है। तो पहली रो का डाटा पहले कॉलम के हिसाब, पहला कॉलम पहली रो, फिर उस हिसाब से पहले आपने जब भी कोई डाटा लिखना है तो पहली रो कंप्लीट होगी, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, फिर चौथी रो, और इस रो के दौरान जितने भी कॉलम्स हैं उन सबको हम फिर डील करेंगे। तो इस हिसाब से एग्जांपल में अगर देखा जाए तो आपके पास जो है रोज जो है इंडिकेट द नंबर ऑफ रो इन द अरे, इट मस्ट बी लिटरल लिटरल कॉन्स्टेंट और सिम्बोलिकल कॉन्स्टेंट, और कॉलम जो है दैट इज इंडिकेट द नंबर ऑफ कॉलम इन अरे। और यू कैन से हियर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिक्लेयर्स अ टू डायमेंशनल अरे विद 4 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो उसको लिखने का तरीकाकार ये होगा, इंट अरे 4 और ये 3, तो हेयर इज द 4 एलिमेंट्स, हेयर इज द 3 एलिमेंट्स। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो अगर हम अगर इसको एक मैट्रिक्स के लेवल से देखें या टेबल के लेवल से देखें तो इस टेबल के अंदर 4 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। अगर हम इसको मैट्रिक्स के हिसाब से कहें तो इसका ऑर्डर कितना है, 4 जरा 4/3,
जिसको हम कहते थे कि फोर रोज हैं और तीन कॉलम्स हैं, उस हिसाब से ये 4x3 का मैट्रिक्स डेवलप हो जाता है हमारे पास। आइए इसको समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। फॉर द एग्जाम्पल इंट अरे 4 3, इट डिटेल्स कैन बी प्रेजेंटेड एज फॉलो। सो द 4 आर बेसिकली द रोज, तो ये 0 से इंडेक्स शुरू हो रहा है, 1 2 3 अप टू, तो देर आर द 4 रोज। कॉलम कितने हैं, 3, 1 2 एंड 3, तो उस वाले से ये 3 कॉलम्स बन गए हमारे पास। और देखा जाए तो ये आपके पास ये मैट्रिक्स के वही एलिमेंट्स हैं जो पहले हम डिफाइन करते होते थे, कि आपके पास आमतौर पर हम मैट्रिक्स के लिए लिखते हैं अपने जनरल रूटीन के अंदर, कि जो मैट्रिक्स होते थे वो लिखे जाते थे A11, A12, A21, 1 3, और इसी तरह से आपके पास A21, A22, A23 और सिमिलरली A31, A32, A33 और उस वाले से हमारे पास ये है जी A41, A42 और ये A43। सो वी कैन सी है कि यहाँ पे आपके पास अगर गौर करें तो जितनी टेबल्स के अंदर एंट्रीज हैं उतनी ही एंट्रीज हैं। इसके अंदर टेबल्स के अंदर कितनी एंट्रीज हैं, अगर आप 4x3 को करें तो देर विल बी द पाउडर 12, तो ये इसमें टोटल 12 एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पे भी आपके पास क्या थी, 12 एलिमेंट्स, बट देर इज अ डिफरेंस, डिफरेंस विच एट द इंडेक्स 1। यहाँ पे इसका जो इंडेक्स है ये 1 1 की बजाय कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 0 से। तो आपने सिर्फ ये ख्याल रखना है कि जब भी हम अरेज के हिसाब से चीज़ों को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो हमारे इंडेक्स जो हैं वो 0 0 0 1 0 2 के हिसाब से होगा। हालांकि जो शो कर रहा है कि पहली रो पहला कॉलम का एलिमेंट, दूसरी पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट और पहली रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट। और आप जब इसको कोड में डिफाइन करेंगे तो जिस तरतीब से आप वैल्यूज लिख रहे हैं तो ये तरतीब कुछ यूँ चलेगी, पहले ये वाली रो फिल होगी, इसको फिल होने के बाद आप दोबारा से फिर इस रो को फिल करेंगे, ये रो फिल होती जाएगी, एंट्रीज आती जाएंगी, फिर आप नेक्स्ट रो की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट रो को फिल किया जाएगा, फिर ये डेटा जो है वो पढ़ा जाएगा, आफ्टर डैट इसको इस एंट्री को फिर उसके बाद 3 के बाद रखा जाएगा, फिर 3 1 आ जाएगा, फिर 3 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी एंट्रीज को कंट्रोल करते हैं और इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये देखें कि किस तरह से जो है हम हर डाटे के अंदर एक्सेसिंग ईच इक्वेशन जो है वो ऑफ 2 डायमेंशनल अरेज कैसे कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू स्टोर द वैल्यूज इन C++, 2 डायमेंशनल अरेज ऑफ द प्रोग्रामर हैव टू बी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ हैव द रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम। उस वाले से मैट्रिक्स के हिसाब से कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो आप इजीली इसके मुताबिक अरेज इसके मुताबिक जो है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को मैट्रिक्स के रिजल्ट के साथ समझ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें टू एक्सेस ईच इंडिविजुअल लोकेशन ऑफ द मैट्रिक्स टू स्टोर द वैल्यूज ऑफ द यूजर टू प्रोवाइड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, तो आपके पास क्या होगा, मैट्रिक्स होगा 0 0 43, 0 1 44, 1 0 56 एंड 1 1 72। तो इस सेंस के अंदर आप एक कॉलम डिफाइन कर सकते हैं जो कि 2x2 का मैट्रिक्स है और ये आपको दे रहा है 43 वैल्यू, 44, 56 और 72। तो ये आपके पास एक 2x2 का मैट्रिक्स है जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। आप देख सकते हैं पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो आई राइट हेयर 43, फिर आई राइट हेयर 44, ओके जी, देन आई राइट हेयर फर्स्ट रो सेकंड रो पहला कॉलम 56 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम 72। तो इस तरह से आपके पास ये डिफाइन किए जा सकते हैं, ओके। और इसी तरह से अगर आपने इसको अगर इनिशियलाइज करना हो या कोड के अंदर लिखना हो तो ये किस तरह से लिखे जाते हैं, तो आप इसको दीज अरेज कैन बी इनिशियलाइज्ड बाय पुटिंग द कर्ली ब्रेसेस अराउंड ईच रो सेपरेटिंग बाय द कॉमा, आल्सो ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी सेपरेटेड बाय द कॉमा। सो इसके अंदर देखें
तो आप अगर इस अरे को डिफाइन कर रहे हैं तो इसके अंदर आपने जो है कर्ली ब्रेसेस को यूज करना है, और उसके मुताबिक जो है आप देख सकते हैं कि पहली रो को हमने एग्जैक्टली एक पूरे जो है वो ब्रेसेस के साथ लिखा है, ब्रेसेस वाली या आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स के साथ लिखा हुआ है। फिर ये पहली रो के एलिमेंट्स होंगे, ये दूसरी रो के एलिमेंट्स और ये तीसरी रो के एलिमेंट्स हैं। तो ये तीन रोज और चार कॉलम हमारे यूँ कंप्लीट हो गए। और इसको हम कुछ यूँ भी लिख सकते हैं कि ये आपके पास एक तरतीब में लिखे जाए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो ये पहली रो मिनट से पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम, फिर इसी तरह से दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, और अप टू सो ऑन, इस तरह से इस तरतीब को चला सकते हैं। और अगर आप इसको एक सिंगल लाइन में लिखना चाहें तो 2x3, तो ये सब भी सिंगल लाइन में लिखे जा सकते हैं इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स एज यू कैन सी है। तो इस तरह से आप 2 डायमेंशनल अरे को राइट अप कर सकते हैं और उसके मुताबिक आप इसको इनिशियलाइज करा सकते हैं। सिमिलरली आप चाहें तो अगर इसका प्रिंट लेना चाहें कि ये किस तरह से स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं, तो राइट द प्रोग्राम डेट इनिशियलाइज द 2 डायमेंशनल अरे ऑफ 2 रोज एंड 3 कॉलम एंड देन इट डिस्प्लेज द वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास सेम वही काम करना पड़ेगा। इंट आई जे जो है वो पहले से हमने डिफाइन किए हुए हैं, आई स्टैंड फॉर द रो एंड जे स्टैंड फॉर द इंडेक्स ऑफ कॉलम साइड। तो ये आई और ये जे के हिसाब से रखा जाएगा। 2, 3 है तो ये डिफाइन हो चुके हुए हैं कि ये आपके पास वैल्यूज हैं। तो 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, तो उस हवाले से टोटल एंट्रीज बनती हैं आपके पास 6। तो ये आपके पास जो है टोटल 6 वैल्यूज बन जाएंगे। ओके, 4 के लिए लिखेंगे, लूप है आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 0, 2, और ये आपका काउंटर है या इंक्रीमेंट ऑपरेटर कह सकते हैं। और उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट आप यहाँ से नेक्स्ट बॉडी ऑफ द कोड स्टार्ट होता है, फॉर जे इज इक्वल टू 0 और ये है J3 और ये J++। तो आपके पास पहला ये वाला एग्जीक्यूशन होगी, साथ में ये होगी और सी आउट आ जाएगा आपके पास अरे आई और जे, और उसी तरह से आपने इन दोनों की जो कलेक्टिव वैल्यू है वो प्रिंट करवानी होगी और फिर नेक्स्ट वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये तो आपके पास स्टेटमेंट के तौर पे प्रिंट हो रहा है और ये वैल्यू है पहले वाली 15। इसी तरह से ये आपके पास सो ऑन वैल्यूज प्रिंट होती जा रही है और टैब के जरिए से, तो ये टेबलेटेड फॉर्म के मुताबिक ये वैल्यूज आपकी एंटर हो जाती है और एक आपको एक मैट्रिक्स की शेप दे रहे हैं। तो इस तरह से हम जो है वो डिफरेंट तरह के जो 2 डायमेंशनल रेज हैं उनको यूज कर सकते हैं और उनको हम डिफरेंट ऑर्डर्स के मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे क्योंकि हमारा जो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट है वो है चीज़ों को कंप्यूट करने के हवाले से और उनकी कैलकुलेशन के हवाले से, क्योंकि हम इक्वेशंस को आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मैट्रिक्स डेवलपमेंट बाय 2 डायमेंशनल रेज जो है इन C++ उसके ऊपर फोकस करेंगे और देखेंगे कि हम अपनी मर्जी का मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं, इसका ऑर्डर कैसे फिक्स कर सकते हैं और उसकी वजह से हम लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन, जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन और डिस्कशन को कर सकते हैं। अपना सब लोग ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।